हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेड आर टेक्निकल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं कि मैं आप अपने यूट्यूब वीडियो का बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जितने भी यूट्यूबर्स हमारे नए हैं वो बहुत सारे बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन जब वो अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं तो उन्हें कॉपीराइट मिल जाता है, क्योंकि वो नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं। उन्हें इस चीज़ की पहचान नहीं हो पाती कि कौन सा जो बैकग्राउंड है वो नॉन कॉपीराइट है, कौन सा कॉपीराइट है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूँ, जहाँ से आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक, बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले कि एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो कुछ यूट्यूब से ही डाउनलोड कर लेते हैं, और कुछ यूट्यूब के एक नया फीचर्स है जो कि है ऑडियो लाइब्रेरी, वहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जेड आर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो हर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने यूट्यूब वीडियो की यूट्यूब एप्लीकेशन में। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो कि लोग ज़्यादातर अपनाते हैं, लेकिन उसमें झंझट बहुत है और थोड़ा बहुत खतरा भी रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जाना है अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन में। मैंने अपनी यूट्यूब की एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है, और यहाँ से एप्लीकेशन ऑन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे जो दोस्त हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेते हैं नॉन कॉपीराइट राइट म्यूज़िक। तो जब मैं यहाँ पर नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक सर्च करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है नॉन कॉपीराइट हिंदी सॉन्ग्स। तो और फिर यहाँ पर वो लोग सर्च करने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड में थ्री डॉट पे जाते हैं, और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल वाले ऑप्शन को कर लेते हैं चैनल, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जितने भी नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक के चैनल होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस चैनल को ऑन कर लेता हूँ NCS को, तो मैं यहाँ पर इसको ऑन करने के बाद जब इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पर हमें बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे। तो यहाँ से म्यूज़िक वीडियो ऑन करने के बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन से ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। जैसे कि हम इनके चैनल के अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इन्होंने तो नहीं डाल रखी, लेकिन इस तरह से अगर आप और चैनल्स में जाएंगे, जैसे कि आपको इसमें मिल सकता है वो चैनल टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पर हर चैनल अपने अबाउट में वो टर्म्स एंड कंडीशन लिख कर रखता है जिससे कि जो कि आपको लागू करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट यूजिंग द म्यूज़िक के बारे में यहाँ पर दे रखा है, यू मस्ट इंक्लूड द फुल क्रेडिट्स इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन, यानी हमें इनका पूरा का पूरा क्रेडिट देना होगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला झंझट, यू कैन नॉट क्लेम द म्यूज़िक एज योर ओन, हम अपने इस म्यूज़िक को अपने की तरह क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, यू कैन नॉट द सेल द म्यूज़िक एनीवेयर, हम इस म्यूज़िक को कहीं सेल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिमिक्स द म्यूज़िक विदाउट द ऑथर्स कंटेंट, यानी हम किसी विदाउट म्यूज़िक नहीं ऑथर कंटेंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज़ द म्यूज़िक विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, हम अगर हमने कोई क्रेडिट नहीं दिया इनकी वीडियो का और हमने इसको यूज़ कर लिया तो हमें स्ट्राइक वगैरह पड़ सकती है, यानी हमें इसके लिए इनका क्रेडिट वगैरह देना पड़ेगा, इनका जो वीडियो का वो इनके चैनल का क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमने कहाँ से वीडियो ली है और ऐसा ऐसे फलाना ढिमकाना हमें क्रेडिट देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। उसके लिए हमें जाना होगा अपने यूट्यूब स्टूडियो में, लेकिन हमें वो यूट्यूब स्टूडियो ऑन करना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो चलिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेता हूँ, और अपना यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर हम अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। यूट्यूब स्टूडियो मतलब अपने पहले हम यहाँ पर अपनी यहाँ पर लॉगिन होंगे अपने यूट्यूब चैनल से। तो यहाँ पर मुझे अपने यूट्यूब चैनल से लॉगिन होना पड़ेगा। तो पहले मैं अपना यहाँ से जो ऐप होता है यूट्यूब स्टूडियो का उसको डिलीट कर देता हूँ, यानी इंस्टॉल कर देता हूँ, जिससे कि अगर यहाँ पर मेरा ऐप इंस्टॉल रहेगा तो मेरा क्रोम में जो यूट्यूब स्टूडियो होगा यूट्यूब का वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐप अगर आपका होता है तो वो ऐप बार बार ओपन होता है, क्रोम में ओपन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमें जाना है अपने क्रोम में सबसे पहले,
और क्रोम में जाने के बाद हमें सर्च करना है अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब सर्च कर लेना है हमें यहाँ पर अपना, सॉरी यहाँ पर हमें सर्च करना है youtube.com। तो youtube.com सर्च करने के बाद हमें सीधे सबसे यूट्यूब सर्च जब हो जाएगा तो यूट्यूब का थोड़ा पेज ओपन होते ही हमें चले जाना है डेस्कटॉप साइट में। हमें अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है जिससे कि हम अपना हर काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है वीडियो में क्योंकि थोड़ा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इस वजह से। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर YouTube हमारा ऑन हो रहा है क्रोम ब्राउज़र में। तो चलिए होने वाला है, बस कुछ ही देर लग रही है। तो चलिए यहाँ पर हमारा YouTube ऑन हो चुका है और अब हमें चलना है यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो एक हमारा क्या नाम है इसका अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर उस अकाउंट से लॉगिन करना है जिस अकाउंट में हमारा वो है YouTube चैनल हो। तो मैंने पहले कर रखा है हमारा जिस अकाउंट से हमारा YouTube चैनल है। अब चैनल लॉगिन होने के बाद हमें जाना है राइट हैंड साइड ऊपर थ्री डॉट्स पे और वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे डेस्कटॉप साइट का, आपको उसे इनेबल कर लेना है। तो यहाँ से हम क्लिक करके उस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे जिससे कि हमारा फ़ोन एक डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा और हम हर काम अपने फ़ोन से आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा मोबाइल फ़ोन एक डेस्कटॉप मोड में आ चुका है, पूरा का पूरा डेस्कटॉप मोड में हमारा जो फ़ोन का डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पूरा एक डेस्कटॉप मोड बन चुका है। अब यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल जो ओपन हो चुका है वो एक डेस्कटॉप मोड में ओपन हो चुका है जिस तरह से एक लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑन होता है। तो चलिए हमारा जो चैनल है वो तो अब ऑन हो चुका है, अब हमें चलना है इसमें यूट्यूब स्टूडियो में। तो यूट्यूब स्टूडियो में किस तरह से जाना होगा थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी हमारा चैनल यहाँ पर पूरा ओपन नहीं हुआ है साइड में। अब हमारे यहाँ पर चैनल पूरा ओपन हो चुका है, मैं जूम करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कि हमारे चैनल को यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं और दिखाते हैं कॉर्नर में हमारे चैनल का राइट हैंड साइड में ऊपर कॉर्नर में हमारे एक चैनल का लोगो दिख रहा होगा। तो आपको अपने भी इस चैनल के लोगो पे क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के बाद आपके आगे आएंगे कुछ ऑप्शंस नए खुल करके जो कि आपके। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड अपने चैनल वाले और जो लोग हैं उस पर क्लिक करना है और हमारे आगे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे इस तरह से, जिसमें कि हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि योर चैनल का, परचेज एंड मेंबरशिप का। लेकिन हमें इसके तीसरे वाले ऑप्शन पे जाना है जो कि है हमारा यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन, और हमें उस चैनल पे क्लिक करने के बाद हमारे चैनल का पूरा यूट्यूब स्टूडियो ओपन होकर आ जाएगा जिससे कि हमारा हमें अपने चैनल का एनालिटिक्स वगैरह एक एक वीडियो की चैनल की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आपके आगे आपका यूट्यूब स्टूडियो ऑन हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है और जूम करने के बाद आपको देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारे राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं जैसे कि आपके चैनल का लोगो और यहाँ पर डैशबोर्ड का और यहाँ पर प्लेलिस्ट का मिलेगा, एनालिटिक्स का मिलेगा, आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर डॉलर का साइन मिलता है। तो यहाँ पर आपको इन्हीं सभी ऑप्शंस में सबसे नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जो कि है म्यूज़िक का ऑप्शन। तो आप म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर एक यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी, सॉरी ओपन हो जाएगी। और ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब की एक ऐसी लाइब्रेरी है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी डाउनलोड ओपन हो चुकी है। और ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब की एक ऐसी लाइब्रेरी है कि यहाँ से आप कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आपको क्रेडिट दे, आपको कोई झंझट नहीं है, ना आपको यहाँ पर कोई क्रेडिट देना है, ना यहाँ पर वीडियो के बारे में बताना है, आपको सिंपली म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना है और यूज़ कर लेना है। आपको यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये यूट्यूब का खुद का फीचर्स है क्रिएटर्स के लिए कि क्रिएटर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्रिएटर्स को एकदम से कोई भी म्यूज़िक मिल जाए। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि आप देखेंगे फ्री म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक देना चाहते तो आप म्यूज़िक पे क्लिक करें, आपके आगे बहुत सारे म्यूज़िक आ जाएंगे। और अब अगर आप चाहते हैं कि साउंड इफ़ेक्ट, जैसे कि बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में अपनी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं क्लाउड का, रेन का या फिर एयर का, बहुत बहुत सारे बर्ड्स के, डॉग्स के, तो वो यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट पे क्लिक करके बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, आप यहाँ पर
सिंपली आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लें और जो आपको अच्छा लगे आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस पर आप क्लिक करेंगे उसी के ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन बन जाएगा, आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आती है बात तीसरे वाले ऑप्शन की, जो कि मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो की है स्टार्ट की। तो स्टार्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई म्यूज़िक, आपने म्यूज़िक देख रहे हैं आप, लेकिन आपको ये म्यूज़िक पसंद आ गया सबसे ऊपर वाला 9 लाइफ का, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको लाइक करके कहीं पर सेव कर लूँ, तो आप यहाँ पर इसको स्टार कर देंगे तो ये यहाँ पर स्टार्टेड पे यहाँ पर आ जाएगा, आपको ये म्यूज़िक यहाँ पर मिल जाएगा। जो जो म्यूज़िक मुझे अच्छे लगे मैंने उनको स्टार करके अलग कर लिया है। अगर मैं चाहता हूँ इन्हें दोबारा से यहाँ से हटाना तो मैं यहाँ से इन्हें दोनों को दोबारा से अनस्टार करके इन्हें यहाँ से हटा सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ से अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों अगर आप यहां से YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से कोई भी म्यूज़िक कोई भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करते हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिंपली बिना सोचे बिना डरे अपना म्यूज़िक अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर लेना है। आपको कोई भी स्ट्राइक कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, आपकी वीडियो एकदम सेफ रहेगी और ये एकदम सेफ मेथड है क्योंकि ये यूट्यूब ने सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही बनाया है, क्रिएटर्स की हेल्प के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कहां से एकदम फ्रीली म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी डर के बिना किसी खौफ के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको कैसा लगा, कैसी पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हो सकता है ऐसी किसी और को भी ज़रूरत हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,